వశత్ కన గురిరాజ్ కసాని ఉషి అపద్ విశజ్ పేషన్స్ కి మగ పుత్రాన్ కన గయ తిథి మరాక్ష తహ మై స్టార్ట్ చి గుషి గయ కే సమాదాస్తి కి పస్నియ శోతా ఉదే ఎక్ డాక్యుమెంటరీ జోడ్ కోతే గే తో ఆ సమదే డాక్యుమెంటరీ మా చారా ఔర్ శుమారా భీ పేజ్ దారే నే మహదే సావా భీ రోయే తో మై దా గప్పుతరాన తి మజీ దేమా వరే పేజ్ దా డాక్యుమెంటరీ చారే తి గప్పాన పదా దేమా బరే చారే సమదే ఈ డాక్యుమెంటరీ కే చో జోడ్ కోతే గే यहाँ आप देख सकते हैं, हम आज पाकिस्तान के उन मुस्तकबिल के मेमारों के साथ मौजूद हैं। ये हमारे वो मुस्तकबिल है जो हमारे असासे हैं, हमारे एसेट्स हैं। हम यहाँ आए थे, हमने कहा कि हम कुछ चीज़ें ऐसे कर लें जो पॉजिटिव पाकिस्तान का फेस दिखाएं। लेकिन चूंकि पॉजिटिव पाकिस्तान का फेस हम तब दिखा सकते हैं जब यहाँ के हालात अच्छे हों। हम जिस मशीत की बात करते हैं, जिस सीपेक की बात करते हैं, वो बेस्ट जहाँ से है। तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि आप देख सकते हैं, आपको हमने स्कूल के बिल्डिंग का हालात दिखा है, यहाँ बच्चों के साथ मौजूद है। हमारा आने का मकसद ये था कि हम यहाँ आपको वो सारे चीज़ें दिखाएं जो यहाँ मौजूद है, अच्छाई भी दिखाएं आपको, जो यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी है वो दिखाएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे वो नौजवान तलबा है जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, लेकिन उनके पास सहूलियात मौजूद नहीं है। आइए हम जहाँ तक तलबा से बात करते हैं, इनके क्या ख्याल हैं। जी बेटा। सर, हमारे यहाँ बिल्डिंग्स नहीं हैं, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। हमारे लिए गवर्नमेंट से ये सहूलत हासिल की जाए कि हमारे लिए नए क्लास बनवाएं, हमारे लिए कुछ जगह हासिल कराएं हमें, और हमारे तालबा को किताब भी दें। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के हालात क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं और स्कूल की हिस्ट्री क्या है? मैं 2013 से यहाँ पर हेडमास्टर हूँ इस स्कूल का। तो इस स्कूल को अगर देखा जाए तो स्कूल को 1983 में ज़ियाउलहक दौर में मास्क स्कूल के नाम से स्कूल तामीर हुआ था, और इस स्कूल को 1983 से लेकर अब तक स्कूल को ज़मीन मुयस्सर नहीं है। क्योंकि जो स्कूल यहाँ पर आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, कस्तहाल बिल्डिंग को, ये चल रहा है जो ये मास्क मदरसा की ज़मीन पर कायम है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एजुकेशन डिपार्टमेंट में तकरीबन 6-7 कमरा भी दे चुके हैं, वो अभी तो वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट हैं वो कमरा। क्योंकि जब वो यहाँ पर कमरे के तामीर के लिए यहाँ पर ठेकेदार वगैरह आए थे, तो इनके यहाँ के लोगों ने और एक मौलवी था उसने यहाँ पर उसको काम को बंद किया। तो वो दौर 2013 में अगर देखा जाए तो ये स्कूल सिर्फ 2 कमरों पर सर मुश्तमिल है, 2 कमरों में एक प्राइमरी स्कूल नहीं चल सकता। तादाद कितनी है आपके? तकरीबन 200 के करीब यहाँ पर तलबा व तालिबात ज़ेर टीचर्स कितने हैं? 10 टीचरों पर मुश्तमिल है। 100 स्टूडेंट के लिए टीचर तो काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास रूम काफ़ी नहीं है। क्योंकि इसकी वजह से स्कूल आवर क्राउडेड आप कह सकते हैं, क्योंकि 2 क्लास रूम तो ये हैं, हम यहाँ पर बरामदे में बैठ के मसलन बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि वो हमारे लिए ज़मीन का बंदोबस्त करें। अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइड में दूसरे डिपार्टमेंट के ज़मीन भी मौजूद हैं, हमें अगर वहाँ पर एक ज़मीन दिया जाए टुकड़ा और वहाँ पर हमारे लिए क्लास रूम तामीर किए जाएँ, तो हमारे मसले मुकम्मल तौर पर हल हो सकते हैं। जी सर का बहुत मशहूर है, सर ने जैसे हमें यहाँ के मसाइल, बच्चों के तादाद जैसे बताया कि 200 तलबा के लिए 2 रूम हैं, तो आप मुझे बताएं कि जहाँ 200 तलबा हो और वो कैसे 2 रूम में पढ़ सकते हैं? तो इनकी कसूरवारी तो नहीं है, ये अपने बहुत ईमानदारी से ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के दरख्वास्त से मुतालबा करते हैं, ना इनके लिए वॉशरूम है, ना यहाँ पानी के कोई सहूलियात मौजूद हैं। तो आप लोग बराह करम जो NGOs हैं, जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, आइए मिलकर हम सब मिलकर यहाँ पर पसनी की आवाज़ बने, पसनी के नौजवानों की आवाज़ बने, पसनी के इस मुस्तकबिल को महफूज करें जो मुझसे और आपसे मंसूब है। ये हमसे यही मुतालबा करते हैं कि मुझ जैसे और आप जैसे लोग जो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, हमारे एक जुबान अल्लाह ने हमें दी है, हमें एक कलम दिया है, तो अपनी कलम की नोक से और अपनी आवाज से इनका जंग लड़े। बरल मुझे चार गए थे समद ब्रोई डॉक्यूमेंट्री आज की डॉक्यूमेंट्री वन कमो मजा नहीं बोले शायद प्रोग्राम में हमारा टाइम है सावा और बारल शोमा यूट्यूब था समद ब्रोई ऐसे सर्च को करने था मीर समद ब्रोई M-I-R-S-A-M-A-D-B-R-O-H-I बरल समद ब्रोई साहब शुमा बेचारे पूरे डॉक्यूमेंट्री शुमा यूट्यूब चैनल को चार्ट कोत करने था
वजह समझ ब्रोई होशो माँ सब्सक्राइब बेक नेता पर चके माँ वती हम मर्दमानी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न करी मारा खबर न कपी के मैं मर्दम चिक्का कार कर गया तो बारह शो माँ समझ अस्ती यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब बेक नेता और शो माँ मुख्तलिफ ही वीडियो ने गेंदे चुके समझ वीडियो ने मैं सारा वक्तन फोकतन समझ अस्ती कार करते मैं शर लगी तो अल्लाह मैं शुमा भी बेचारे था समझ शुमा सर्च बेक नेता मीर मीर समझ ब्रोई ना मैं यूट्यूब चैनल ही वाजा शुमा यूट्यूब चैनल मोती बलूच को माँ बाय दे माँ बेबरे में निकल ब्लॉगर कायाँ और समाज अस्ती ब्लॉगिंग भी करेंगे और ये ऐसे डॉक्यूमेंट्री जोड़ को तो कहता शुमा ये पूरा यूट्यूब चैनल है तो चार्ट को करने था मीर समझ ब्रोई वजह यूट्यूब चैनल इन नाम है तो बहरहाल माँ समझता हम ही कोत करने समाधे दीमा वर्ग हम पूरा कोशिश करें चीज़ समझ मैं बिल्कुल एक अच्छी शारी मर्दों में जो कैसे कह रही थी गप्पा का और प्रोग्राम में था मैं घुमा गपुतरान का गोजाम भी टॉपिक के सरमा समाधा कोशिश समाधा ई सर बात शार गप को था तो बहरहाल माँ समाधा सपोर्ट करने बांधा बाजी ची समाधे बड़े बच्चे का यंग जो मतलब मैं नसरी ये सोचे आ देमा कहते तो समाधा शुमा सपोर्ट बेकने था और देमा आर्गे वास्ते ये जोहर बेकने था जी समाध शुमा ऐसे गोशक लोट है फिर जो फिर से मैं कहता ना कि एक बार फिर से शुक्रिया जिस तरह आपने शुरू से मतलब मुझे प्रमोशन में हर चीज़ में ऐसा नहीं कि यहाँ पे इससे पहले भी मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था किसी के थ्रू तो आपने और उससे पहले कायनात ने मुझे बहुत सपोर्ट किया नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करते हैं मैं हर जगह पर बैठ के भी कहता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके साथ साथ मेरे लाइफ के अंदर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के अंदर बहुत सपोर्ट किया इसमें कोई शक नहीं कि उन वो अगर नहीं होते शायद हो सकता है मैं इतना आगे नहीं जा रहा होता इतना सारे काम नहीं कर सकता होता क्योंकि फ़र्द वाहिद कुछ नहीं है जैसे वो कहा है ना एक शेर में कि रब्ते कायम है मिल्लत से फ़र्द तन्हा कुछ नहीं मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं कुछ नहीं तो विदाउट एक पर्सन दूसरे टीम के कुछ नहीं होता तो ये सारे के सारे जो आपके काम हैं उनके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है बहुत सारे लोगों की दुआएं होती है बहुत सारे लोग जो है आपको पुश कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो आपको वो इंस्पायर कर रहे होते हैं बहुत सारे बलोचिस्तान के ऐसे लोग हैं मैं समझता हूँ जिनकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ काम करने लगा हूँ बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर मौजूद हो उनकी वजह से मैं काम करने लगा मेरे वालिद साहब मेरे लिए इंस्पायरेशन सबसे बड़े कि मैं उनको देख के मैंने सीखा ज़िंदगी का कैसे गुजारते हैं लोगों में कैसे उठते बैठते हैं पॉलिटिकल चीज़ों कैसे डील किया जाता है सोशली कैसे चीज़ों को डील किया जाता है माई मदर इज़ माई आइडियल मतलब मैं कहता हूँ ना आपके अपने घर में सब कुछ मौजूद है आपने माँ बाप को देखो आप उनसे सीखो मेरा कल्चर मेरे लिए सबसे बड़ी वो एक सीखने सिखाने का है तो ये सब चीज़ें जो है वो है आप रख के चलते हो ज़िंदगी के अंदर तो रख रखाव वाला मामला आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और आप इंशाल्लाह किसी दिन ज़रूर ऐसा नहीं है कि दुनिया ओपन है आपके लिए आप दुनिया को अपना कर सकते हो दुनिया आपके लिए बनाए आप दुनिया के लिए नहीं बने हो मैं तो इतना मानता हूँ बिल्कुल शुमा चूँकि प्रोग्राम वहाद भी अलासी नहीं होगा सरबिता तो समझ शुमे मिन्नत गिरें और उम्मीद करने के शुमा ये कशा कायम है प्रोग्राम बार बुजुर्ग रहता हूँ और अंची चीज शहरी शहरी चीज जोड़ बेकने था ताकि मारा भी चार गांच मजा भी बेहतर है मैं बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त वाजा आमिर बख्श में बाज विनतवार तो अत के यकेश ब्याम है प्रोग्राम है माशाल्लाह तई भी गपुतरान बाज वशा तो भी माशाल्लाह बाद एक शहरी शख्सियत है मालिक के और उम्मीद करने के शुमा देव तरह भी मैं प्रोग्राम का बोले रहा शुमे बाज में नतवार मैं जो कोशिश समझी थी राजकों में मर्दों में प्यारे शुमे हाथरा शुमे गुमा गपुतरान कन के हाथरा और उम्मीद करने के शुमारा में मरागिश दोस्त भी जिंदा वफा को इंशाल्लाह पता मुलाकात भी नहीं मनोती होस्ट मर जाना जीमो बदेरा सा अल्लाह मैं यारी